दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। देखिए मैंने एक लेस ली है और देखिए मैंने कुछ ये कपड़ा लिया है। तो पहले आपको कपड़े का साइज बता देती हूँ। देखिए लंबाई 10 इंच है, इसी तरह मैंने 4 पीस लिए हैं। तो इन पीसों को मैं यहाँ पर इस तरह से पहले स्टिच कर लूँगी 2 पीसों को एक साथ, और फिर 2 पीसों को एक साथ स्टिच करने के बाद ये लंबा पीस हो जाएगा। फिर इसको मैं सीधा पलट के यहाँ पर किनारे पे एक सिलाई डाल के इसकी एक पट्टी जैसी तैयार कर लूँगी, और उसके बाद फिर इसमें डिजाइन दूँगी। और देखिए जो ये लेस ली है ये नेक में हम अटैच करेंगे। और देखिए ये ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है। तो सबसे पहले आपको साइज़ बता देती हूँ, तो ब्लाउज को साइड में रख देती हूँ, अस्तर पे बता। देखिए लंबाई मैंने 14 इंच ली है ब्लाउज की, और देखिए ये हमारा 34 साइज का है, 10.5 इंच है, मुड्डे 5.5 इंच और शोल्डर भी 5.5 इंच है। और तो हमारी जो डिजाइन आएगी वो जहाँ नीचे कमर में आएगी सेंटर में। तो देखिए नेक हम ऊपर से कट करते हैं 2.5 इंच, ये विदाउट डोरी बना रही हूँ। अगर डोरी वाला बना रहे हैं तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। जीप का ले लेते हैं। तो देखिए ये मैंने 10.5 इंच ले लिया है, तैयार में 10 इंच आएगा। ये बॉक्स बना दिया है और अभी नेक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए शोल्डर से सेम रहेगा, नीचे से थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये राउंड शेप आएगी। और जो हम यहाँ पर डिजाइन देंगे उसके लिए भी यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच ले लें सेंटर से, और इस तरह से कमर तक इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो जो अभी हम कट करने वाले हैं यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसको कट कर देते हैं। और इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास भी कट करेंगे। देखिए मैंने कैनवास ले लिया है और इस तरह मैंने फोल्ड कर दिया है। तो देखिए यहाँ से लेके पूरा हम यहाँ तक कट कर देंगे, और इसकी चौड़ाई 1/2 इंच लेंगे। ये आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। नीचे सीधा ब्लाउज रख लें, उसके ऊपर अस्तर रख लें, और देखिए जो हमने ये कैनवास कट किया है इस कैनवास को यहाँ पे हम इस तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए शोल्डर से लेके पूरा हम यहाँ तक स्टिच कर देंगे, जो नेक है इसको कट कर देंगे, और फिर इसकी पलट के इसकी फिनिशिंग दे देंगे। और उसके बाद जैसे मैंने बताया पट्टी पहले हम फोल्ड करके इसकी एक पट्टी तैयार करेंगे, और उसके बाद फिर डिजाइन करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था स्टिच कर लिया है, जो नेक था उसको मैंने कट कर दिया है। अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए मैंने इसको चारों तरफ से स्टिच डाल दिया है, नीचे जैसे प्लेट डालते हैं प्लेट भी डाल दी है, और नीचे कमर में फिनिशिंग दे दी है। तो देखिए जो हमने पट्टी कट की थी तो मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है, और देखिए स्टिच डाल दिया है। और अभी हम इसको पलट देते हैं। जो फ्रिल आएंगी ये बॉक्स प्लेट आएंगे, तो इस तरह से हम 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि टोटल हमारा 1.5 इंच के आसपास ये बॉक्स आ जाना चाहिए। बना दिए, अभी हम यहाँ पे इसको इस तरह से स्टिच करने वाले हैं जो हमने यहाँ पे कट किया था। देखिए इस तरह से एक नीचे की तरफ स्टिच कर लेंगे, और एक प्लेट हमारी ऊपर की तरफ आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले एक साइड में स्टिच कर लेते हैं, फिर दूसरी साइड में। तो देखिए मैंने जो लेस ली है इसको भी अटैच करेंगे, और एक मैंने गोल्ड कलर की लेस ली है। जो ये गोल्ड वाली है ये तो हमारी यहाँ पे कमर से लेके जो ये कट है यहाँ तक आएगी इस तरह से, और जो हमारी ये कलरफुल है ये लेस हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी।
अभी जो हमने ये फ्रिल बनाई है इसमें कैसे डिजाइन देना है वो आपको बताते हैं। तो देखिए मैंने दोनों साइडों में ये लेस अटैच कर दी है, और देखिए जो हमने ये बॉक्स प्लेट बनाई है मैंने पिंक कलर का ही धागा लिया है और कुछ छोटे मोती लिए हैं। तो देखिए जो हमारी ये बॉक्स प्लेट है यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से, और बीच में यहाँ पे पहले हम इसको सेट कर देते हैं सिलाई डाल के। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन जाएगी। और देखिए जो मोती लिया है हमने इस मोती को यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो देखिए मोती हमारा जो है इस तरह से बीच में आ जाएगा, और इसी तरह से ये मैं ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली दोनों लाइन तैयार कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मोती स्टिच कर दी है, ये जैसे हमने तीन बॉक्स बनाए थे एक डिज़ाइन में, तो देखिए तीनों में ये मोती लगा दी, सेम तीनों में नीचे भी हमने मोती लगा दी है। और देखिए ये लेस भी हमारी यहाँ पे इस तरह से आ रही है। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर हमारे ब्लाउज का लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।